हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो स्टार्ट किया था सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक, सो उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ऑल्सो द बेसिक इम्पोर्टेंट टर्म लाइक द सैम्पल स्पेस इवेंट। ओके, एंड हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो भी हमने एग्जांपल दो तीन देखे थे जो G2 एग्ज़ाम में आए थे। सो आज हम देखेंगे दो या तीन कॉन्सेप्ट है बेसिक, कि जो प्रोबेबिलिटी के जो एग्जांपल आते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है काउंटिंग प्रिंसिपल। ओके, सो ये जो काउंटिंग प्रिंसिपल है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे एग्जांपल में, वही मेन चीज़ है, वो समझना है आपको। सो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे लिखा है, देखो, इफ़ अ सर्टेन ऑपरेशन इज़ परफॉर्म इन एम वेज एंड सेकंड ऑपरेशन इज़ परफॉर्म इन एन वेज। सो ये एक कंडीशन है कि कोई भी एक ऑपरेशन है, ओके, वो परफॉर्म होता है कितने वे में, तो यहाँ पे लिखा है स्मॉल एम वे में। ओके, एंड सेकंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है, उसका नंबर ऑफ वे जो है परफॉर्म होने के वो कितने हैं, एन है। ओके, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग बोथ द ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इज एम एन, मतलब दोनों ऑपरेशन एक साथ में परफॉर्म हो वो कैसे लिखेंगे, उसके जो नंबर ऑफ वे है परफॉर्मिंग के वो कैसे लिखेंगे, एम इंटू एन। सो एम एंड एन का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, उनको क्या बोलते हैं, सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो एक एग्जांपल दूँ आपको मैं, कि नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म दैट इज वी से एम वे। सो कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक नीचे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन इन अ 12 रीजनल लैंग्वेजेस। ओके, सो गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है वो कितनी लैंग्वेज में है, 12 लैंग्वेज में। सो ये एक हो गया, ओके, एक ऑपरेशन हो गया, वो परफॉर्म होता है अभी कितने वे में, तो 12 में। ओके, यहाँ पे लिखा ना एम, सो एम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। सो ये जो रीजनल जो लैंग्वेज है 12 है, सो वो ऑपरेशन परफॉर्म कितने वे में हो सकते हैं, 12, उसको हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला है, एम। नाउ नेक्स्ट एंड 7 अदर प्रोजेक्ट, और क्या है गवर्नमेंट ने और क्या प्रोवाइड किया है, 7 अदर प्रोजेक्ट, तो वो हम सेपरेटली उसकी बात करें तो उसको हम 7 तरीके से मतलब परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7। सो यहाँ पे एक्चुअल में दो ऑपरेशन हुए हैं, पहला ऑपरेशन कौन सा है कि 12 रीजनल लैंग्वेजेस है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, दूसरा ऑपरेशन क्या है, क्या और प्रोवाइड किया है, 7 प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया है। सो दो ऑपरेशन हो गए, उसको बोला एम एन एन। अभी हम उनको कौन कौन से वे में, ओके, ऑल पॉसिबल वे जो है वो कितने हैं परफॉर्म करने के लिए, वो हम लिखे 12 एंड 7। अब ये दोनों को साथ में लेते हैं हम, ये 12 लैंग्वेज एंड 7 अदर प्रोजेक्ट, वो एक साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, गेटिंग, वो हमें देखना है। यहाँ पे देखा क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन चूज ऑन अ रीजनल लैंग्वेज एंड वन अदर प्रोजेक्ट। ओके, सो एक पर्सन जो है कितने वे है उसका चूज करने का, क्या चूज करने का, एक तो लैंग्वेज और दूसरा प्रोजेक्ट, तो कितने वे हो गए, ये दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। सो 12 × 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 84। तो ये एग्जांपल पे से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं
कि ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। ओके सो दो ऑपरेशन हैं, उसके जो वे है परफॉर्म करने के वो हमें लिखने हैं। सो वो दोनों ऑपरेशन एक साथ में परफॉर्म करें तो उसको परफॉर्म करने के वे कितने हैं, तो सिंपली हमें दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ओके सो यही काउंटिंग प्रिंसिपल हम देखते हैं अभी आगे, और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये है, थ्री पर्सन्स आर टू बी डेजिग्नेटेड अमोंग एट पोजिशन। ओके तो कितने पर्सन, यहाँ पे है थ्री पर्सन। उसको क्या करना है, डेजिग्नेटेड अमोंग एट पोजिशन, तो टोटल नंबर ऑफ पोजिशन हमारे पास कितनी है, एट है। ओके तो सभी को डेजिग्नेटेड करना है तीनों पर्सन को। अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी डेजिग्नेटेड, सो वो कितने तरीके से, कौन कौन से वे है उसको डेजिग्नेटेड करने के लिए, कितने तरीके से हम कर सकते हैं, मेन ये है। तो देखो जो पहला पर्सन होगा, यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट पर्सन कैन बी डेजिग्नेटेड एनी वन ऑफ द एट पोजिशन। सो टोटल हमारे पास पोजिशन कितनी है, एट है। ओके ये एट पोजिशन है। सो पहला जो पर्सन है ये वाला, मान लो ये मैंने लिखा है वन, उसको ये एट में से कोई भी पोजिशन दे सकते हैं, यानी ये एट में से कोई भी हो सकता है। अब जब दूसरा पर्सन जो है उसको डेजिग्नेटेड करना है हमें, ओके तो कैसे करेंगे, ये देखो ये दूसरा पर्सन है। सो आठ जो है टोटल हमारी पोजीशन, उसमें से एक पोजीशन हम ये पहले जो पर्सन है उसको दे दिया, तो बाकी कितनी पोजीशन बाकी रही अभी, सेवन। तो सेवन में से ही हम दूसरा जो पर्सन है उसको हम आउट ऑफ सेवन ही हम पोजीशन दे सकते हैं। सो इनके क्या हो जाएगा, सेकंड जो है पर्सन उसका जो वे है, ओके गेटिंग, पोजीशन जो प्रोवाइड करना है हमें उसका जो वे है वो कितना होगा, टोटल सेवन होगा। सिमिलरली हमें कितने पर्सन को अभी ये करना है, डेजिग्नेटेड थ्री को। सो अभी दो को तो हो गया, अब तीसरे की बारी। सो ये दो को तो दे दिया, सो टोटल हमारे पास कितनी थी, पोजीशन एट थी। अब कितनी बची, रिमेनिंग सिक्स। सो जो सिक्स बची है उसमें से ही हम ये जो तीसरा जो पर्सन है उनको दे सकते हैं, तो उसके जो वे है, ओके जो हमें पोजीशन प्रोवाइड करनी है ये, उसका जो वे है कितने हो गए, सिक्स हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एम लिखा है, एम इक्वल टू एट जो मैंने यहाँ पे बताया है वो, यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, एन, स्मॉल एन। और जो तीसरा जो है उसको क्या लिखा है, पी। अब ये जो तीनों है ये मैंने ये बताया है, ओके ये तीनों, उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स, तो वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। ओके किसके, ये जो हमारे तीन पर्सन है, थ्री पर्सन आर टू बी डेजिग्नेटेड अमंग द एट पोजिशन, ये जो हमारा है ना कंडीशन दी है। सो कौन कौन से वे है, ओके उसको पोजिशन देने के लिए। सो टोटल वे तीन पर्सन के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे थ्री थ्री सिक्स, ये एट सेवन एंड सिक्स का क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। बहुत इजी है ये, सिर्फ समझना है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है वो नहीं आ सकता एग्ज़ाम में, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन जो मेन जो प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल आएंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ये सिर्फ अच्छी तरह से समझना है। वैसे हम और एक एग्जांपल देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट इलेवन चूज अ कैप्टन। ओके कि कितने वे है किसके, कि भाई
क्रिकेट 11 टीम है हमारी, उसमें क्या चूज़ करना है? तो भाई कैप्टन को चूज़ करना है, देन वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर। सो हमें पता है सभी क्रिकेट तो देखते ही है, नहीं देखते हैं तब भी क्रिकेट का जो बेसिक रूल है वो तो सभी को पता रहता ही है, ओके। क्योंकि ये क्या है, हमारे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट है, राइट। सो क्रिकेट जो टीम है उसमें टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 11। अब 11 में से हमें कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, ये तीन चूज़ करने हैं। तो वो चूज़ करने के वे कितने हैं? तो यहाँ पे हम काउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसका यूज़ करेंगे, बहुत इजी है। सो कैप्टन पहले चूज़ करेंगे, देखो ये कैप्टन को। सो कैप्टन किसको बनाएंगे, कितने में से बनाएंगे? टोटल 11 प्लेयर है तो 11 प्लेयर में से ही एक को बनाएंगे, गेटिंग। सो कैप्टन को चूज़ करने के टोटल वे कितने हैं हमारे पास? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 11, गेटिंग। अब हम क्या करते हैं, वाइस कैप्टन को चूज़ करते हैं। अभी कैप्टन को तो चूज़ कर दिया, 11 प्लेयर थे उसमें से एक को कैप्टन बना लिया। अब वाइस कैप्टन बनाना है तो कितने प्लेयर में से हम वाइस कैप्टन को चूज़ करेंगे? 11 में से एक कैप्टन तो बन गया, तो कैप्टन खुद वाइस कैप्टन तो नहीं बन सकता है। सो बाकी कितने रहे? टोटल 10 बाकी रहे, गेटिंग। कितने बाकी रहे? 10। सो आउट ऑफ 10 प्लेयर वी हैव टू चूज अवर वाइस कैप्टन। सो वो 10 प्लेयर में से हमें वाइस कैप्टन चूज़ करना है। सो वाइस कैप्टन को चूज़ करना है हमें, उनके जो तरीके हैं, उसके जो वे है, वो कितने रहेंगे हमारे पास? 10। तो ये 11 के साथ 10 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। जो तीन कंडीशन दी है, कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, सभी के जो वे हो गए, नंबर ऑफ वेज टू चूज़ द पर्टिकुलर पर्सन, ओके, उनको हमें क्या करना है? सभी का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो अब बाकी क्या रहा? विकेट कीपर बाकी रहा। सो विकेट कीपर चूज़ करने के वे कितने हैं? आपको खुद सोचना है और आंसर देना है। वीडियो में तो मैं बोलूँगा ही, ये बुक के अंदर जो ये है स्क्रीनशॉट उसमें भी दिखाई देता है, लेकिन आपको खुद सोचना है। तो कितने रहेंगे विकेट कीपर हमें चूज़ करना है, विकेट कीपर किसको बनाना है? तो कितने वे है हमारे पास? टोटल 11 में। क्यों? क्योंकि 11 प्लेयर जो है उसमें से किसी को भी विकेट कीपर बना सकते हैं, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो वाइस कैप्टन हो। हमारा अभी है ही ना कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, वो कैप्टन भी है और विकेट कीपर भी है। सो विकेट कीपर हमें चूज़ करना है तो 11 जो प्लेयर है हमारे उसमें से कोई भी एक को हम चूज़ कर सकते हैं। सो टोटल नंबर वे जो है वाइस सॉरी ये विकेट कीपर को चूज़ करने के, वो कितने रहेंगे? टोटल 11। तो उनको हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल कितने होंगे? ये 1210 यहाँ पे लिखा है, देखो कि टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। हमने क्या किया, सभी का वे फाइंड किया ना, कि कैप्टन चूज़ करने के वे कितने हैं? 11 में से एक को बनाना है तो 11 वे है। बाद में वाइस कैप्टन कितने प्लेयर में से बना सकते हैं? कैप्टन को तो नहीं बना सकते, बाकी रहे 10। सो 10 प्लेयर में से हमें वाइस कैप्टन को बनाना है। सो उसकी जो पॉसिबिलिटी है, वेज है, उसके जो चूज़ करने के, वो टोटल कितने हैं? 10 है। और बाकी रहा विकेट कीपर, तो विकेट कीपर को हम 11 प्लेयर में से किसी को भी हम बना सकते हैं, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो वाइस कैप्टन हो, गेटिंग। सो उसके जो नंबर ऑफ वेज है चूज़ करने के विकेट कीपर को, वो कितने हो जाएंगे हमारे? 11। सो ये सभी का हमने सेपरेट सेपरेट वे फाइंड किया। सो टोटल वे कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर, ये तीनों को चूज़ करने का जो वे है वो कितने हो गए? तो तीनों का हमने सेपरेट फाइंड किया, तीनों का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। सो हमने लिखा है यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई विथ 10 एंड दैट इज़ मल्टीप्लाई विथ 11। सो टोटल हमारा आंसर कितना आएगा? 1210, 1210। इतने टोटल वेज है ये कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड विकेट कीपर को चूज़ करने के। सो यहाँ पे भी हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया?
काउंटिंग का। ओके सो ये बहुत इजी है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, और दो हमारे पास है इम्पोर्टेंट टर्म, वो हम देखेंगे वन बाय वन। ओके कि वो अलग से एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, अभी ये प्रिंसिपल है तो वो अलग से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। मोस्टली ये एग्ज़ाम्पल भी इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हमारे जो IMP एग्ज़ाम्पल आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। सो हमें ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और बाद में हमें देखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक काउंटिंग प्रिंसिपल है, उससे भी इम्पोर्टेंट वो है। सो काउंटिंग प्रिंसिपल में मुझे लगे कि ये जो तीन एग्जांपल है वो इनफ है समझने के लिए। ओके सो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करेंगे। तो को एक ऑपरेशन है उसको M बोला है, टोटल नंबर ऑफ वे उसके ये है परफॉर्म करने के। दूसरा जो ऑपरेशन है उसके परफॉर्म करने के वे कितने हैं, N है। सो दोनों ऑपरेशन को हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो वो क्या होगा M into N। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म दी बोथ ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। ओके सो ये अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे।